जा रही है मौसी, अब बाय कर दो एक बार। बाय। देखिए रात में ढूंढेगा ये फिर। हाँ, रिया को पहचानता है। हाँ मम्मी, हाँ दीदी, जा रही है रिया। जा रही हूँ। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में जी। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और गर्मी जो है पूछिए मत जबरदस्त। जी और रिया दोनों बहनें वहां पर बैठी हुई हैं और बाबू को झूला पर डाल दिया गया और बाबू यहां झूले में जो है मजे से झूल रहा है। देख सकते हैं कितने मजे में है यार। और कितना देर यह झूला पर टिकेगा कोई ठीक नहीं है, कुछ देर में रोना स्टार्ट करेगा। वैसे भी अब इसका मालिश का समय हो गया है तो इसको लेकर के जाते हैं नीचे। बाबू आ गया अपनी दादी के पास और देख सकते हैं क्या मजे में है अभी। देखते हैं, दादी पोता दोनों बहुत सुंदर है। जितने सुंदर दादी है उतने सुंदर पोता है। दादी तो दोनों है लेकिन ये दादी बहुत सुंदर है। अभी चल रहे हैं जी चौक और चौक से कुछ लाना है और कुछ शाम का समय हो गया है तो नाश्ता सोच रहे हैं बाहर से कुछ लेते आते हैं तभी खाएंगे। छोटा वाला नहीं है। खरीदारी करनी थी जी, हो गई खरीदारी। मौसी के लिए चप्पल भी लेना था, बरसाती चप्पल तो भी उठा लिया। अब सीधा चलते हैं घर और तो कुछ काम यहाँ है नहीं खास, चलते हैं। अभी बज रहे हैं जी 8:30। एक ब्लॉग जो है अपलोड कर दिया है, 9 बजे के करीब वह जो है शेड्यूल हो जाएगा। और बाकी जिया और बाबू जो है अंदर है और अंदर इतनी गर्मी है पूछिए मत। हम तो थोड़ा बाहर आ गए हैं, बाहर थोड़ा सा हॉल है, हॉल में खुला खुला है लेकिन जिया को नींद आई हुई है। हम तो कह रहे थे कि बाहर आ जाने के लिए लेकिन जिया सोई हुई थी। वैसे ही रात में तो उसको जगना है ही, बाबू जगाता रहता ही है। हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जितनी देर सो लेती है सोने डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नींद आ गई तो नींद आ गई। तो अब हम चलते हैं जी ऊपर, थोड़ा सा ऊपर जा करके टहल लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हवा ले लेते हैं। या जी हमारा खाना तो बैठे नेक्स्ट डे। उठ गए जी सुबह सुबह, बाबू को दे आई नीचे क्योंकि बाबू जैसे ही उठता है बाबू को मालिश चाहिए। मालिश करती है उनकी दादी तो उनकी दादी के पास दे दिया है। और इधर माँ जो है खाना बनाने की कर रही है तैयारी। अच्छा नाश्ता है ये। अच्छा जल्दी हम सब्जी सुबह हम नहीं बनाते, रोटी दही आम का समय है, सभी बच्चे और बुजुर्ग जो भी है। तो डैडी को जो है अभी कोर्ट भी जाना है, उनका मॉर्निंग कोर्ट चल रहा है अभी, तो इसलिए अभी सवेरे सवेरे थोड़ा जल्दी बन जाता है। आम के सामने सब सब्जी बिगड़ रहा है। जी अभी अब सो करके उठ गई है, आ गई है ब्रश करने के लिए। तो बाबू जगाया रात में तीन बार चार बार जगता है ना तो जगेगा ही। तो आज जो है रिया जा रही है जी, रिया का एग्जाम आ चुका है। तो रिया बोले कि अगला एग्जाम दे करके फिर उसके बाद वापस आ जाएगी और कह रही है उसको जाने का मन नहीं कर रहा है बाबू को छोड़ करके। जाहिर सी बात है जी मौसी है, बड़े से लगाव तो हो ही जाएगा। तो रिया आज जा रही है। अच्छा जिया को रिया बोल देती है मम्मी। तो रिया भी अब हो गई है तैयार, अब वह निकलने की तैयारी कर रही है। रिया चलो। तो मौसी हो गई है तैयार, छोड़कर जा रही है अपने बेटे को। कुछ रात जो है जगराता किया, अब जो है पिताजी को जगराता करना पड़ेगा माँ के साथ साथ। मौसी को जाने का मन नहीं है लेकिन एग्जाम है तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, मौसी का एग्जाम है तो एक एग्जाम जैसे खत्म हुए आ जाना है। हम लेकर जाएंगे इसको साथ, लेके चल जाएंगे। वाह। फिर रात में जब रोएगा मम्मी के लिए फिर क्या करेगी? मम्मी को भी ले जाएंगे। मम्मी को भी लेके चल जाएगी। वाह। तो बाबू जा रही है मौसी, अब बाय कर दो एक बार। बाय। नींद में कर देगा, देखिए रात में ढूंढेगा ये फिर। हाँ, रिया को पहचानता है। ढूंढेगा फिर, आज झेलना है फिर सोएगा। रिया को जब झूलने का मन होगा, गोदी पे चढ़ने का, घूमने का, तो रिया को फंसता है तो हम भी नहीं आ जाते। चलो ठीक है रिया। हाँ मम्मी, हाँ दीदी, जा रही है रिया। जा रही हूँ। कब आ रही हो? जा रहे हैं, आ रहे हैं। मस्त एग्जाम देना। एग्जाम बाद कितना दिन बदलेगा? 7 तो मेरा स्टार्ट है, ऑनर्स पेपर खत्म होता है तो क्लास स्टार्ट हो जाता है। सीट है भैया अंदर की साइड, ठीक है चले। तो रिया को तो यहाँ बस में बैठा दिया है जी, बस को खोलने में लगता है अभी समय है, 15-20 मिनट तो फिर समय होगा, सवारी भरेंगे वो सब। हमको चलना है आगे, कुछ खरीदारी करना है। अच्छा नहीं लग रहा है, रिया भी तो मन भी लग रहा था और बाबू का तो देखभाल वही कर रही थी। वहाँ जब आई थी तो बहुत आराम हुआ था हमें। रिया तो अंदर बैठ गई है जी, हम चलते हैं। आगे जी मार्केट, यहाँ से खरीदारी करनी है। फल सब तो बहुत दिख रहा है, आम तो बहुत सारा उतरा हुआ है मार्केट में, कहीं पर जा करके गाड़ी को रोक दिया जाए। कैसे आम भैया? 120 माल रहा है क्या? ले लीजिए, 100 रुपया दीजिएगा तो उठाइएगा, साफ तौर बढ़िया रहेगा, घबरेगा नहीं।
अच्छा, आप अपने दीजिए, उकरा कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, कोई नहीं, समझ गया। ठीक है, एक किलो, दो किलो लीजिए सर, पाँच के जी तो कम कर दीजिएगा, तो बताइए। 180 हाँ कर दीजिए, 180 आपसे गलत नहीं मेरे सर। नहीं नहीं, ठीक है, 180 लगा दीजिए आप। 120 से कम है, देखिए वो गलत काम में आ गया, कम निकाल दिए, वो हराम का पैसा नहीं करते। नहीं नहीं, ठीक है, पहला ही बोल रही है आपका, इसलिए। कितना है? 14 पीस, आपको 15 कर देते हैं। केला ले लिया, आम ले लिया, अब इसके बाद लेना है पपीता ले लेना है। सेब भैया, सेब जो भैया, 200 है, 60 है, 40 का रेट है। अनार 180, एक किलो लेना था, 160 रुपया पड़ेगा, लगा दीजिए। तीन सौ दीजिएगा, दो किलो ले लेते हैं, 300 लगा लीजिए, लगा लीजिए। तीन सेब नहीं रहने दीजिए, सेब कैसे भैया, कम कर दीजिए, एक किलो लेंगे, ठीक करिएगा। बढ़िया है, इतने बढ़िया है, थोड़ा कम कर देते आप। चीकू है ना, कैसे? अभी तो कच्चा है ये, 40 लगा दीजिए, 40 में 50 आधा किलो ही दे दीजिए अभी, ठीक है भैया, आधा किलो ना दे दो। कोई बात नहीं, वही ना आते क्या रहे है। क्या भी नहीं, कुछ वजन होगा, 70 काटेंगे ना वो, तो सही है, 83 क्या होता है। पपीता अभी नहीं आ रहा है ढंग का, क्या पपीता कहाँ तो दिख रहा है, अच्छा वाला दिख रहा है, मार्केटिंग में नहीं दिख रहा है ढंग का हमको। तो फैमिली जी, सारा सामान तो ले लिया, आप सीधा चलते हैं घर, धूप भी काफी तेज है। ये वाला रोड थोड़ा खाली है जी, तो इसी साइड से चल रहे हैं, बाकी जो दूसरा साइड का रोड है, इतनी भीड़ है वहाँ पर, जाम से निकलने में ही अच्छा खासा समय लग जाएगा। अब यहाँ शॉप खुला नहीं है सारा, इसलिए अभी यहाँ पर थोड़ा कम क्राउड है। ये दाहिने साइड वाली गली से तो जाना संभव था ही नहीं, वहाँ इतनी ही भीड़ लगी हुई थी, इतने सारे गाड़ी लगे हुए थे। अब आगे से ही निकलते हैं, उम्मीद करते हैं इधर नहीं उतना जाम। ओए होए होए, रोड का जो हाल कर रखा है भाई साहब, ये रोड लग रहा है कितने सालों से बना हुआ है, अभी तक ये रिपेयर नहीं हुआ है। सारे जगह जाम से बच गए, लेकिन आगे जाम है। ओ भाई, ये हाल है इधर। हाय 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 हाय, शुक्र है निकल गए यहाँ से, वरना इधर ऐसा हाल होता है, कई बार पैदल चलना मुश्किल हो जाता है, एक कदम आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, ऐसा ऐसा जाम लगता है इधर। वैसे हम तो जी दिल्ली का जाम देखे हुए हैं, इसलिए दिल्ली का जाम देख लिया, उनके लिए ये जाम कौन सी बड़ी बात है ना। जो भी दिल्ली के लोग होंगे कमेंट करके बताना आप। पहुँच गए जी घर, सारा सामान तो अब ले लिए हैं, अब सीधा चलते हैं ऊपर। ये लो सारा सामान, हमको क्या मालूम था, हमें भागलपुर का मालदा, भागलपुर वाला मालदा, भागलपुर का। यहाँ पर आम का उद्घाटन हो गया है जी, कैसा लगा? अभी तो प्राइमरी स्टेज में है, कार्पेट पर पकाया गया है, फिर भी आम है, सभी फलों का राजा आम, मीठा मीठा ताजा आम, बढ़िया है। ये मार्केट में जब तक आएगा वो पका हुआ, तब तक तो लगता है खराब हो जाएगा। सब आम को तोड़ लेता है, कार्पेट में पका के महंगा भाव बेच लेता है। तो आम खाने में फायदा है, जब अपना आम अपना बगीचा से खाओ तभी उसका टेस्ट मिलेगा, नहीं तो जब ये खाने से पहले तो बेच लेते हैं महंगा के हिसाब से, और जब खाने का टाइम होता है तो मिलता ही नहीं, तब तो आम होता है खत्म। 150 रुपया किलो होता है, सबके बस की बात नहीं है।